ये इनका दरवाज़ा नहीं है, तरपाल लगा हुआ है। ऐसे तरपाल उठाते हैं और अंदर जाते हैं, इनके घर जाके इनके घर के हालात देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, ठीक हो? अस्सलाम करम। अस्सलामुअलैकुम, कच्ची नहीं पहनी हुई आपने? अस्सलामुअलैकुम, ठीक, शुक्र है अल्लाह का। क्या बना रही हैं? जलाएं, आग जलाएं तंदूर में? क्या पकाया है आज? वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दो मिनट आसरा करते रोटी होने पक्की गल है? जे मैं दो मिनट आसरा कर लवा रोटी पका दोगे मेनू? मेनू आज बहुत भूख लगी हुई है। चलो ठीक, ये इस फैमिली का कमरा है जिसमें ये रहते हैं ना। यहाँ पे लाइट गैस कुछ भी नहीं है, ये छोटा सा कमरा इन्होंने, ये देखें, ये डाली हुई हैं चंद सोटियाँ वगैरह डाल के इन्होंने छत डाली हुई है। और ये इनके बिस्तर हैं जो इन्होंने बांधे हुए हैं, क्योंकि इनके पास पेटी वगैरह नहीं होती। ये कुछ कपड़े हैं, ये संदूक है, वो आटे वाली टांची है, और ये छोटा सा कमरा है जिसमें सिर्फ दो चार पाइयाँ आती हैं। यहाँ पे ये फैमिली अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। मैं हैरान हूँ कि किस तरह लोग कितनी गुर्बत में और कितनी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक इनको हिम्मत दे, और इंशाल्लाह जन्नत में घर भी इन्हीं को मिलेगा जिन्होंने ज़िंदगी में, दुनिया में इतनी ज़्यादा मुश्किल झेली होंगी। तो हमें चाहिए अपने आस पास देखें, अब देखें ये छोटे से कमरे में रह रहे हैं, अगर हम सब मिलजुल कर इनको एक अदद कमरा बना दें तो इनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गर्मी से बच जाएंगे, वो खुले कमरे में रहेंगे। अब जब बारिश आती है तो इस कमरे का कोई फ़ायदा नहीं होता, जितनी भी बारिश आती है तो सारा पानी जो है वो कमरे के अंदर ही होता है, और ये बेचारे डर के मारे बाहर बैठे होते हैं कि कहीं ये लकड़ी अगर गिर जाए या लकड़ियाँ वगैरह ऊपर आ पड़े तो इनके बच्चों को जान का जो है, बच्चों की जान को ख़तरा होता है। जिसकी वजह से जब ये बारिश आती है तो ये अंदर की बजाय बाहर ही पनाह लेते हैं। तो अल्लाह पाक आसानी करे हमारी इन बहनों पे। ये दो दो चार पाइयाँ हैं, यहाँ पर ये सहन है इनका, यहाँ पर जो है ये रात को सोते हैं, और ये छोटे छोटे से बच्चे, ये छोटी सी दीवार है जिसके ऊपर इन्होंने अपने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, और इस तरह इनकी ज़िंदगी का जो सर्कट है वो चल रहा है। तो बहन हमारी जो है वो रोटियां लगाने लगी है, चलते हैं उनके पास। ये उनका वॉशरूम देखें आप, उसके ऊपर भी ना कोई पर्दा है, ना उसका दरवाज़ा है, और ना ही वॉशरूम की छत है, और ना ही इनके घर में पानी का इंतज़ाम है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मेरे अल्लाह ने चाहा, जितनी जल्दी हो सका इनके घर में पानी का इंतज़ाम कर सकें। पानी कहाँ से भरती हैं? लोगों के घरों से भरती हैं। कमरे का भी दरवाजा नहीं है, कमरे का भी नहीं है, पता नहीं कमरे का भी नहीं है। घर वाला मेरा बिल्कुल ज़हीफ है, घर वाला बुजुर्ग है। अभी किधर हैं वो? ओ कम पे गए हैं, गोडी कर रहे हैं, मोलते गोडी करते हैं। बच्चे कितने हैं आप? तीन बच्चे ने, तीन बच्चे है, बच्चे भी छोटे है? हाँ जी बच्चे भी छोटे हैं, एक 10 साल का है। अच्छा। बाकी आज जड़े छोटे फेर रहे हैं, छोटे फेर रहे हैं। हाँ जी। नलका किथे लगवाओगे तुसी? नलका इथे लगवावांगे इस जगह ते। हाँ जी। चलो इंशाल्लाह बहुत जल्द आड़ा जड़ा पानी दा मसला वा ना ओ ते इंशाल्लाह। हां पानी तो बहुत लोग भरण ही नहीं देंदे, कोई आंदा साडी लाइट इतनी जाया होंदी है, कोई कुछ ते कोई कुछ। सही गल है, कदी नलके तो पानी पारते, कदी किसे ते। हालांकि किन्ना स्वाब हुंदा अगर किसी ने पानी भरन दा, लोग नहीं गल सोचदे। सही गल है, नहीं है लोग गल सोचन ते फिर फायदा। सही गल, लोग रुलन क्यों? हां हां लोग नहीं है गल सोचदे। अल्लाह ताला सब नु हिदायत देवे। कल इंशाल्लाह जो ता नलका लग गया ना उदो ता राशन भी इंशाल्लाह लेके आओ। रोटी तुसी पकाओ ते खाओ, सानू हो रही है देर। नहीं कोई मसला नहीं बाजी, दो मिनट बस होने तंदूरी पाई। नहीं कोई नहीं, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह ताला तानु बोता देवे, नेरा हो गया वा। तोड़ियां इन्हें कोई मसला नहीं, फर्क नहीं है कोई भी, अल्लाह रोटी का कोई मसला ही नहीं है, रोटी का कोई मसला नहीं, बैठ जाओ। बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाह पाक बरकत डाले। ये 13,000 रुपये हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके घर में जल्द से जल्द पानी लगवा दें, और आपके लिए राशन और बच्चों छोटे छोटों के लिए कपड़े लेके आ सकें। ठीक है, ये आपके बच्चे हैं? हाँ जी। दोनों बेटियाँ? नहीं एक बेटी है, भांजी है। अच्छा ये भांजी है, बेटी केड़ी है? ए बेटी है। जुत्ती नहीं पाई?
जुत्ती कित्थे आ? पा लिया करो पुत, जुत्ती पैरां च कंडे लग जांदे आ। की खेडदी सीगी? बस बट्टे खेड रही आ। की कहंदे आ इन्हां नूं? नमाज़ आ, नमाज पढ़ के दुआ करियो। ऐ हैगे आ सूट, ऐ भी सूट आ, रखो इन्हां नूं सांभो अंदर। बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ जो है हमें खाना पेश किया गया है, तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं। इन्होंने बनाई है आलू पालक जो कि बहुत ही मज़े की लग रही है, साथ में है तंदूर की रोटियां, ये देखें आप माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं। तो अभी हम खाना खाते हैं और आपको बताते हैं कि हमारी बहन ने जो खाना बनाया है वो कैसा बना है। तो आज पुत्र, बहुत ही मज़ेदार खाना था। इनकी जो मोहब्बत और जो तकल्लुफ़ है उनकी कोई कीमत नहीं है। ये छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, आपने बहुत अच्छा सालन बनाया है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक आपके रिज्क में बरकतें डाले। अभी हम ये ले, ठीक है जाएं आप। वाओ, कुफी भी खा रहे हो, आम भी खा रहे हो, ऐसे ही है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। इस बहन के पास दोबारा आ गए हैं, इनके लिए हम लेके आए हैं राशन और पानी का इंतज़ाम जो है इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा बहुत जल्द। इनके घर में नलका लग जाएगा। ये लो छोटू, ठंडा पानी बना के पीना, ठीक है? खुश हो आप? क्या बनाया है आज, क्या बनाया है? आलू बताऊं? आलू बैंगन बनाए हैं। ये भाई हैं जो हमारे मेहनत मजदूरी करते हैं और इस तरह इनके घर का जो है निजाम चलता है। लोगों की जो फसल होती है ना उसमें गोडी करते हैं, गोडी करने की इनको जो मजदूरी मिलती है उनसे इनके ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो पाल रहे हैं ये हमारे भाई। अल्लाह ताला इन्हें भी सेहत दे, जिंदगी दे। हमारी बहन बहुत ही अच्छे अखलाक की मालिक है, अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए। इनको कमरे की भी जरूरत है, इनको नलके की भी जरूरत है, मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर सबब पैदा करेगा। क्या लेना है मुझे बताओ, बातें किए जा रही हो, बातें किए जा रहे हो हैं? क्या लेके आना है मुझे बताओ? कुल्फी लेनी है? कुल्फी के लिए पैसे मांग रही हो? ये लो, ले आओ, ये लो छोटू, ले लो। देखो पैसा तो नहीं पता लग रहा। ले लो चीजी, ले लेना कारोबार च खैरो बरकत पावे, ताकि इसी तरह जेडियां मुस्तहिक साडियां भैणां ने उन्हां दे काम आ सके। ठीक है, इंशाल्लाह नलका लग जाएगा, बेफिक्र हो। चलो, हां जी, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं अब्दुल रहमान, उनकी जोजा हैं जरीना रहमान, उनके बेटे का नाम है इस्माइल रहमान और एक बहन है आमना। उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें अच्छी सेहत, लंबी ज़िंदगी दे, हज़ारों खुशियां नसीब करे और अल्लाह पाक उनका दिया हुआ कबूल करे, आमीन। कल खा ली सी, अज सन भुख नहीं है, अल्लाह ताला बोता दवे थानू, अल्लाह ताला बहुत दवे, अल्लाह ताला इन्हें रिज़्क च बरकत पावे। बहुत शुक्रिया उन बहन भाइयों का जो हमारे साथ जुड़े हुए और हम चलते फिरते इस तरह की जो हमारी बहनें हैं उनके काम आते हैं, अल्लाह पाक सबका दिया हुआ कबूल करे, बहुत शुक्रिया। बताइएगा जरूर आज का प्रोग्राम कैसा लगा, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। लारेब ऑनलाइन कुरान अकेडमी, we provide online holy quran classes through skype zoom all over the world, time and day at your own choice, highly qualified male and female teachers, affordable monthly fee, we are teaching 24 hours audio and video summarized lesson on daily basis, satisfaction on completion of your course, no age limitations, basic qaida memorization of quran, holy quran with rules, tajweed, translation and tafsir, namaz, kalimats, dua, 5-day free trial classes, whatsapp number 92341 1496 126, 92305 699 2192, skype number 92341 1496 126, email learnquran787@gmail.com, Skype ID Lareb Online Quran Academy.